सुप्रभात, कैसे हैं आप? आखिरकार मनोज मंतसर ने माफी मांग ली है। मनोज मंतसर ने शनिवार की सुबह, मतलब फिल्म रिलीज होने के 20 दिन बाद, अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और ट्वीट करके ये लिखा, उसे पिंड भी कर दिया है, मैं स्वीकार करता हूँ कि फिल्म आदि पुरुष ने जन भावनाएं आहत हुई हैं। अपने सभी भाई बहनों, बड़ों, पूज्य साधु संतों और श्री राम भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूँ। भगवान बजरंगबली हम सब पर कृपा करें, हमें एक ओर अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान धर्म की सेवा करने की शक्ति दें। ये कितना बड़ा ढोंगी, कितना बड़ा शरारती है, जरा इस चीज को समझिए। इसने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से ट्वीट किया है, पिंड किया है। भगवान बजरंगबली हम सब पर कृपा करें। इस चिरकुट ने कुतर्क करते हुए कहा था कि बजरंगबली भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है, बानर है, वो हम सब ने उन्हें भगवान बना दिया है। आज भगवान बजरंगबली से ही कृपा की मांग कर रहा है। कृपा तो बस वही कर सकते हैं, माफी भी इसे वही दे सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि फिल्म रिलीज होने के 20 दिन बाद ये कुतर्की, जो लगातार कुतर्क करता रहा कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कोई गलत नहीं किया, हमने रामायण को मूल भाव से दिखाया, फिर कहा कि हमने मनोरंजन के लिए बनाया, बच्चों में एक्सेप्टेंस हो इसके लिए बनाया, अलग अलग ढंग से कुतर्क करता रहा। ऐसा नहीं है कि फिल्म पूरी तरह से सुपर डुपर फ्लॉप हो गई है। ये फिल्म इसलिए भी जिज्ञासावश लोगों ने देखा कि आखिर दिखाया क्या है। कुछ लोगों ने कौतूहलवश देखा कि रामायण पर है इसलिए देखना जाएंगे, कुछ सनातन विरोधी इसलिए देखा कि राम का कितना अपमान हुआ है, कुछ लोगों ने इसलिए भी देखा कि आखिर इतनी चर्चा क्यों है, क्या रामायण से अलग इसने दिखाया है। तो ये माना जाए कि फिल्म तो इसकी चल गई। जब फिल्म चल गई, हिट हो गई, माना जा रहा है कि 200 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है, फिर ये माफ़ी क्यों मांग रहा है? चिंतन का विषय ये है कि फिल्म हिट होने के 20 दिन बाद ये शरारती माफ़ी क्यों मांग रहा है? इसके षड्यंत्र को समझना ज़रूरी है, इस माफ़ी में भी इसकी साजिश को समझना ज़रूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम जैसे लोगों ने लगातार मुहिम चलाया, वन साइडेड मुहिम चलाया, इसे माफ़ी तो मांगना पड़ेगा। आखिरकार इसने माफ़ी मांग ली और माफ़ी इसने सभी भाई बहनों, पूज्य संतों, साधुओं सबसे माफ़ी मांगी। लेकिन आखिर ऐसे ऐसे कालनेमी के शिकार हम लोग क्यों हो जाते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनोज मंतसर पिछले कुछ सालों से इसने एक छलावा ओढ़ा हिंदुत्व का, सनातन का, और इसके शिकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी हुई, भारत सरकार भी हुई। और जब पब्लिक में आप आज के डेट में मान्य हो जाते हैं तो आप व्यापारिक रूप से भी आप स्वीकार हो जाते हैं। दरअसल जब जनता का ज़बरदस्त विरोध हुआ तो सोनी चैनल ने भी इसको अपनी टीम से बाहर निकाला, मतलब इसे आर्थिक चोट पड़ी। योगी सरकार की तरफ से कई सरकारी प्रोजेक्ट में ये शामिल था, उससे बाहर किया गया, भारत सरकार ने इसे बाहर किया, इसके खिलाफ बाइकाट चलाया गया, तो आर्थिक चोट इसे लगी। ये 15-20 दिन तक फिल्म रिलीज होने के बाद भी अपने कुतर्क पे था, हनुमान जी भगवान नहीं है, हमने कुछ भी गलत नहीं लिखा, शुरुआत में तो कहा कि एकदम से रामायण है ये सुनिए। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेवीली प्रेरित हैं। फिर इसने कहा कि नहीं, हम कौन कहता है, हमने नहीं कहा कभी कि ये रामायण है। उसके बाद भी इसने कुतर्क किया और लगातार इसका कुतर्क चलता रहा, ये चोट पहुंचाता रहा कि मूर्ख लोग हैं जो ऐसे करते हैं। इसे अंदाजा नहीं था कि इसे चोट कहां मारी जाएगी, कहां तक चोटिल होगा ये।
और अल्टीमेटली लोग इसी के ऊपर हमला करने लगे। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम सब ने इस फिल्म में, चूंकि ओम रावत डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, सिनेमेटोग्राफी सब ओम रावत ने किया, इस फिल्म में रावण बना हुआ है जो सबसे लोकप्रिय चेहरा है, वो एक जिहादी चेहरा है, सैफ अली खान है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इस फिल्म के प्रचार प्रसार में मनोज मुंतशिर का ही नाम क्यों चलाया गया, क्यों इसकी मार्केटिंग की गई है? कभी आपने सुना कि किसी फिल्म के पटकथा लेखक का इतना नाम होता है? जितना मनोज मुंतशिर पर चर्चा हुई, आज तक किसी फिल्म के पटकथा राइटर के नाम पर फिल्म नहीं बेची गई। इस फिल्म को पटकथा राइटर के नाम पर क्यों बेची गई, ये महत्वपूर्ण है। यही शरारत असल है, क्योंकि इस गैंग को, इस जिहादी गैंग को, इस बॉलीवुड के दाऊद गैंग को, ये कराची वुड गैंग को ये पता था कि सैफ अली खान के नाम पर फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, ओम राउत के नाम पर भी फिल्म नहीं चलेगी। यही एक चेहरा है जिसने आवरण ओढ़ा है सनातन का, राष्ट्रवाद का। और अभी जो राष्ट्रवाद का लहर चल रहा है, अभी जो बाइकाट चल रहा है जिसमें सबके सब शिकार हो गए, सैफ अली खान इससे पहले शिकार हुआ, सलमान खान, शाहरुख खान सब शिकार हुए। तो इतना तय था कि यदि ये फिल्म सैफ अली खान के नाम पर यदि चलाई जाएगी तो फ्लॉप होना तय है, क्योंकि इसमें चेहरा तो एकमात्र सैफ अली खान था। इसीलिए जानबूझकर मनोज मुंतशिर शुक्ला को चेहरा बनाया गया, क्योंकि इसने पिछले कुछ दिनों से अपने शब्द के बाजीगरी से, चूंकि ये लिखता अच्छा है, ये बोल भी लेता अच्छा है, इसलिए एक षड्यंत्र ये किया गया कि किसी तरह से ऐसा कुछ किया जाए जिससे चर्चा ये हो कि मनोज मुंतशिर इस फिल्म में है। और फिर षड्यंत्र वहीं से शुरू हुआ, इसके नाम का इस्तेमाल किया गया और इससे उटपटांग डायलॉग लिखाए गए, सनातन का अपमान, राम का अपमान, रामायण का अपमान, और फिर इसने जमकर वो कुकर्म किया। चूंकि इसने राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ा हुआ था, लोगों को लगा कि फिल्म अच्छी होगी, आदि पुरुष अच्छी फिल्म होगी, मनोज मुंतशिर के नाम पर, आदि पुरुष नाम पर, रामायण के नाम पर शुरुआती दिनों में ही फिल्म कमाई कर गई। बाद में जब विरोध हुआ तो लोगों ने कौतूहलवश भी देखा कि कैसी फिल्म है, क्या दिखाया गया है। लेकिन जब इसके अतीत खंगाले जाने लगे, जब ये सच सामने आया कि इसका षड्यंत्र क्या है, इसने साजिश क्या क्या की हुई है, तो पता चला कि इसके अतीत में सनातन के खिलाफ षड्यंत्र क्या है। इसने अपने पिता के ब्राह्मण होने का अपमान किया हुआ है। जरा सुनिए कि पापा सुबह सुबह उठ के और शिव स्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में, नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकार माकाश वासम भजे हम। बगल में मनोज मुंतशिर ने लगाया होता था, ख्याल गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। आपने पहले भी ये सुना होगा, हमने कई विश्लेषण में बताया, इसने राम और रामायण का भी अपमान किया हुआ था, पीछे हर जगह हिंदी का अपमान किया हुआ था। ये तमाम पोलें खुलने लगी तो इसके ढोंग का चरित्र सामने आने लगा कि कितना बड़ा ढोंगी है, कितना बड़ा कालनेमी है, वक्त के साथ ये कैसे बदला है। दरअसल असल पहचान ऐसे लोगों की होनी चाहिए। सवाल ये है कि आम आदमी ने इसकी पहचान की, भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसे क्यों नहीं पहचान पाया, इतना समय क्यों लगा, भारत की खुफिया एजेंसी ऐसी षड्यंत्रकारी को पहचान क्यों नहीं पाई। ये षड्यंत्रकारी दरअसल उन तमाम लोगों से ज़्यादा खतरनाक हैं जो दिखाई दे रहे हैं, जिहादी उठ के षड्यंत्रकारी। अच्छी बात यह है कि इसने माफ़ी मांगी है, ये माफ़ी सनातन और राष्ट्रभक्तों की ताकत है, लेकिन ये माफ़ करने योग्य तो कतई नहीं है, कतई।